हेलो एवरीबॉडी, आई एम डॉक्टर इमरान अजीज और आज हम डिस्कस करेंगे सैंपलिंग थ्योरम। सैंपलिंग हम बेसिकली करते हैं किसी भी एनालॉग सिग्नल को जब हमें डिजिटल में कन्वर्ट करना होता है तो उस वक्त हमें सैंपलिंग की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज सैंपलिंग, और ए सिग्नल हुज स्पेक्ट्रम इज बैंड लिमिटेड टू बी हर्ट्स can be reconstructed exactly from its samples taken uniformly at a rate of 2 BHz, which is the minimum sampling frequency 2 B. So this is the sampling theorem. कि अगर हम किसी भी सिग्नल को जिसकी बैंडविड्थ बी है उसको एग्जैक्टली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं उसके सैंपल्स से, तो उसके लिए जरूरी है कि हम सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी जो यूज करें वो 2 बी मिनिमम सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करें। अगर हम 2 बी से कम सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हम उस सिग्नल को एग्जैक्टली दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हम सैंपलिंग जो है वो सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी 2 बी से कम भी रख सकते हैं लेकिन हम उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए मिनिमम सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी शुड बी 2 बी। और बी यहाँ पे क्या है, बी इज दी bandwidth of the signal, of the analog signal जिसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एक सिग्नल है GFT जो कि एक मैसेज सिग्नल है, इसको हम डिजिटल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म अगर हम देखें या इसको फ्रिक्वेंसी डोमेन में देखें और इसकी बैंडविड्थ अगर हम चेक करें तो इसकी बैंडविड्थ हमें यहाँ पे ये शो की गई है, इसका फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, ये एफ है और ये ओमेगा है। तो एफ में हमें यह नजर आता है कि दिस इज बैंड लिमिटेड टू बी हर्ट्स, और अगर हम इसकी सैंपलिंग करना चाहते हैं तो हम उसके लिए एक इम्पल्स ट्रेन जो है वो यूज करते हैं सैंपलिंग के लिए। इम्पल्स ट्रेन को हम डेल्टा टी से शो करते हैं और टी एस जो दो सैंपल्स का दरमियानी डिस्टेंस है टी एस विच इज अपोजिट टू द सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी एफ एस इज इक्वल टू 1/TS। तो 1/TS इन दोनों का दरमियानी डिस्टेंस है, इसका मतलब है कि इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी जो है वो एफ एस के बराबर है। अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करें मैसेज सिग्नल को और इम्पल्स ट्रेन को तो वी विल गेट ए सिग्नल लाइक दिस, जिसमें ये इम्पल्सिस जो है वो टी एस ड्यूरेशन के साथ हमें इम्पल्सिस रिसीव होंगी जिनकी एम्पलीट्यूड्स उस मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड के बराबर होंगी। ये डैश लाइन ज़रा उस मैसेज में नहीं होगी, ये जो हमारे पास सैंपल्ड सिग्नल है इस जी डैश एफ टी को हम सैंपल्ड सिग्नल कहेंगे। सैंपल्ड सिग्नल में सिर्फ हमारे पास ये इम्पल्सिस जो है वो मौजूद होंगी और इनका आपस में जो डिस्टेंस है वो टी एस के बराबर होगा। और अगर हम मैथमेटिकली इसको देखें तो सैंपल्ड सिग्नल विल बी इक्वल टू मैसेज सिग्नल इनटू या एनालॉग सिग्नल इनटू इम्पल्स ट्रेन, और दिस विल बी द टोटल सम ऑफ ऑल द इम्पल्सिस। और ये हमारे पास किसी भी एन की किसी खास वैल्यू के लिए जो हमारे पास मैसेज की उस वक्त वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय द इम्पल्स एट दैट टाइम। तो अगर हम इस खास टाइम की बात करते हैं तो इस खास टाइम पे जो मैसेज सिग्नल की एम्पलीट्यूड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और ये जो इम्पल्स है इस इंस्टेंट के ऊपर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, और ये एक के लिए है, फिर ये दूसरी इम्पल्स है, तीसरी जो कि ये सारी इम्पल्स सम अप होके तो ये हमारे पास सैंपल्ड सिग्नल जो है इस तरीके से आ जाएगा। और अगर हम इसको थोड़ा सा फोरियर ट्रांसफॉर्म में ले जाएं और फोरियर सीरीज इसकी जो है वो चेक करें, तो चूंकि हमने इससे पहले देखा हुआ है कि इम्पल्स ट्रेन जो है एक पीरियाडिक सिग्नल है और पीरियाडिक सिग्नल को हम फोरियर सीरीज की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इम्पल्स ट्रेन की फोरियर सीरीज इस तरीके से होती है जिसमें 1/TS जो कि उसका इम्पल्स का आपस में डिस्टेंस है टाइम पीरियड है, 1+2cos ωst + 2cos 2ωst + 2cos 3ωst सो ऑन, ωs इज इक्वल टू 2π/TS और 2π/FS। और अगर हम सैंपल्ड सिग्नल देखें जी डैश एफ टी तो ये सैंपल्ड सिग्नल क्योंकि जी एफ टी मल्टीप्लाइड बाय द इम्पल्स ट्रेन होता है, इसका मतलब है कि सिंपल ट्रेन की फोरियर सीरीज को अगर हम सिंपल जी एफ टी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास सैंपल्ड सिग्नल आ जाएगा। तो सैंपल्ड सिग्नल हमारे पास जो आएगा 1/TS जी टी हर टर्म के साथ जी टी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया, जो ऊपर जितनी टर्म्स हैं इनके साथ जी टी जो है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब अगर इसका ट्रांसफॉर्म लिया जाए
इस ऊपर वाली सारी इक्वेशन का ट्रांसफॉर्म लिया जाए तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट टर्म है इसका ट्रांसफॉर्म तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा जी एफ ओमेगा, लेकिन ये जो दूसरी टर्म है इसका ट्रांसफॉर्म जब आता है, अगर आप रिकॉल करें फॉरियर ट्रांसफॉर्म को, तो उसमें इसका ट्रांसफॉर्म जी एफ ओमेगा आता है, लेकिन जी एफ ओमेगा शिफ्टेड टू प्लस माइनस ओमेगा ओमेगा एस। तो ये जो हमारे पास सेकंड टर्म है इसका ट्रांसफॉर्म आएगा जी एफ ओमेगा माइनस ओमेगा एस प्लस जी एफ ओमेगा प्लस ओमेगा एस। तो ये इसका ट्रांसफॉर्म ओमेगा प्लस ओमेगा एस और ओमेगा माइनस ओमेगा एस। इस तरीके से दूसरी टर्म का ट्रांसफॉर्म ओमेगा माइनस टू ओमेगा एस ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस। तो इस तरीके से ये इतनी टर्म आएंगी, इनका ट्रांसफॉर्म जो है वो ओमेगा प्लस टू ओमेगा एस प्लस थ्री ओमेगा एस प्लस फोर ओमेगा एस। इस तरीके से इनका जो है वो ट्रांसफॉर्म साथ आता रहेगा। और इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो इसका प्लॉट हमें इस तरीके से दिखेगा कि ये जो फर्स्ट टर्म है जिसका ट्रांसफॉर्म जी एफ ओमेगा है वो हमारे पास यहाँ पे ये सेंटर पे आ रही है, और उसके बाद बाकी ये जितनी टर्म्स हैं ये जो आगे सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म्स आ रही हैं उनका ट्रांसफॉर्म जो है वो ये सेकंड टर्म के लिए दो हमारे पास ये दो क्या कह सकते हैं हम स्पेक्ट्रम है, ये थर्ड टर्म के लिए जो है ये दो स्पेक्ट्रम है, एक राइट पे एक लेफ्ट पे। इसी तरीके से ये स्पेक्ट्रम जो है लेफ्ट और राइट पे जो है चलते रहेंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम है वो ये दरमियान वाला है। अगर आप रिकॉल करें मैं आपको दोबारा यहाँ से दिखा सकूँ, तो ये जो हमारा जो सिग्नल था ओरिजिनल जी एफ टी और उसका स्पेक्ट्रम जो है ये जी एफ ओमेगा उसका स्पेक्ट्रम था, जो कि माइनस टू ओमेगा बी से प्लस टू ओमेगा बी के दरमियान था या माइनस बी से प्लस बी के दरमियान था। तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सिग्नल बेसिकली। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली रिक्वायर्ड सिग्नल है जिसको हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं या दोबारा जिसको हम अचीव करना चाहते हैं। तो लेकिन ओवरऑल जब हम ये देखते हैं कि जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसका स्पेक्ट्रम जो है ये फिगर दिखा रही है कि उसका स्पेक्ट्रम किस तरीके से दिखेगा, और इसको मैथमेटिकली हम कह सकते हैं कि सैम्पल्ड सिग्नल का ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू वन ओवर टी एस एज इट इज और समेशन फ्रॉम एन माइनस इंफिनिट टू प्लस इंफिनिट जी एफ ओमेगा माइनस एन ओमेगा एस। तो ये सारे के सारे जो स्पेक्ट्रम है ये शिफ्टेड स्पेक्ट्रम ये यहाँ पे एड अप हो जाएंगे। जब एन की वैल्यू जीरो होगी तो हमारे पास सिंपल जी एफ ओमेगा ये दरमियान वाला आ जाएगा, बाकी एन की वैल्यूज के लिए ये स्पेक्ट्रम जो है वो राइट और लेफ्ट पे शिफ्टेड हमारे पास आ रहे हैं। अब अगर हम रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं जी एफ टी को फ्रॉम सैम्पल्ड सिग्नल, तो वी शुड बी एबल टू रिकवर जी एफ ओमेगा फ्रॉम जी डैश एफ ओमेगा। अगर ये उन्हीं के ट्रांसफॉर्म है, ये जी एफ टी ट्रांसफॉर्म है इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी एफ ओमेगा का, और जी डैश एफ टी इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है जी डैश एफ ओमेगा का। और ये सिर्फ उस वक्त पॉसिबल है जब सक्सेसिव जो साइकिल्स हैं जी एफ ओमेगा जी डैश एफ ओमेगा के उनके दरमियान कोई ओवरलैप ना हो, यानी कि यहाँ पे इनके दरमियान कोई ओवरलैप जो है वो मौजूद ना हो, तो फिर हम इजीली जो है वो यहाँ से जी एफ ओमेगा को, ये जो कि जी एफ ओमेगा ये जी एफ ओमेगा का स्पेक्ट्रम है तो इसको हम इजीली रिकवर कर सकते हैं अगर ये जो सक्सेसिव साइकिल्स हैं इनके दरमियान कोई ओवरलैप ना हो। अगर ओवरलैप होगा तो फिर ज़रा किसी एक साइकिल को रिकवर करना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसको जो है वो बेसिकली हम फिर ये कहते हैं कि ओवरलैप ना होने की वजह से हम कहते हैं कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को हम 2b से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, कि मिनिमम जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट शुड बी 2b, जिसको हम नाइक्विस्ट फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, या टीएस की जब बात करें तो इसको नाइक्विस्ट इंटरवल भी कहा जाता है या नाइक्विस्ट रेट भी कहा जाता है। नाइक्विस्ट रेट इज दी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। मिनिमम जो है वो 2b है सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी या नाइक्विस्ट रेट, जबकि हम ओवरलैप से बचने के लिए कहते हैं कि एफ एस को हम थोड़ा सा मरीज बढ़ा देते हैं, एफ एस शुड बी ग्रेटर देन 2b, या अगर टी एस के सेंस में बात करें नाइक्विस्ट इंटरवल के सेंस में बात करें तो दैट शुड बी लेस देन 1/2b। तो दिस इज दी नाइक्विस्ट इंटरवल और नाइक्विस्ट रेट जिसको हम सैम्पलिंग थ्योरम भी कहते हैं। अब हम देखते हैं मजीद के किसी भी सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट अगर करना हो फ्रॉम यूनिफॉर्म सैंपल्स तो हम कैसे कर सकते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सिग्नल को उसके सैंपल्स की मदद से रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है उसको इंटरपोलेशन का नाम दिया जाता है। यानी कि आपके पास सैंपल्स हैं कुछ खास इंस्टेंट्स के ऊपर, इन इंस्टेंट्स को लेके आप
इन इंस्टेंट की मदद से आप देखना चाहते हैं कि ओरिजिनल सिग्नल कैसे दिखेगा, तो इस प्रोसेस को आप इंटरपोलेशन का नाम जो है वो देते हैं। और ये हमने देखा कि हमारा जो सैंपल्ड सिग्नल है वो इसके बराबर होता है जी डैश एफ टी, और फर्स्ट टर्म क्योंकि हमारी रिक्वायर्ड टर्म है, ये जो टर्म है दिस इज आवर रिक्वायर्ड टर्म, क्योंकि ये ओरिजिनल हमारे पास सिग्नल है, तो ये हम बेसिकली इसमें से अलग करना चाहते हैं सैंपल्ड सिग्नल में से, ये जो टर्म है फर्स्ट, ये इसको हम अलग करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे अलग किया जा सकता है। अगर ये देखें, ये जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास लो फ्रिक्वेंसी टर्म है, इसमें कोई ओमेगा एस वाली टर्म मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद जितनी टर्म आ रही हैं उनके अंदर ओमेगा एस है, टू ओमेगा एस है, या थ्री ओमेगा एस है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई लो पास फिल्टर जो है वो यूज करें, तो लो पास फिल्टर जिसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्ज हो और जिसकी गेन जो है वो टी एस हो, तो सिंपली हम इस टर्म को जो है उसमें से रिकवर कर सकते हैं, बाकी को सुप्रेस कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि हम ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल को रिकवर करने के लिए सिंपली ये है कि सैंपल्ड सिग्नल को हमें एक लो पास फिल्टर में से गुजारना होगा जिसकी बैंडविड्थ जो है वो बी हर्ट्ज है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है या इंटरपोलेशन फिल्टर है, उसका ट्रांसफर फंक्शन इस तरीके से दिखना चाहिए कि वो एक रेक्टेंगुलर सिग्नल हो जिसकी बैंडविड्थ बी हो, क्योंकि बी बैंडविड्थ जो है वो ओरिजिनल सिग्नल की बैंडविड्थ थी, इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी बैंडविड्थ बी हो, और इसकी गेन जो है वो टी एस हो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जी एफ टी डिवाइडेड बाई टी एस है, तो इस टी एस के फैक्टर को कैंसिल करने के लिए इस फिल्टर की गेन जो है वो टी एस होनी चाहिए, ताकि ये जो टी एस वाली टर्म है ये नलीफाई हो सके। तो ये अगर ये फिल्टर हमारे पास मौजूद हो, इस फिल्टर में से आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो फिल्टर है हमारे पास, ये जो आपको डैश लाइन यहाँ पे ये शो हो रही है, ये वाली डैश लाइन, तो बेसिकली ये फिल्टर चाहिए जिसकी बैंडविड्थ बी हर्ट्स हो और जिसकी गेन जो है वो टी एस के बराबर हो। तो ये जब फिल्टर हमारे पास होगा, तो हम इस फर्स्ट टर्म को हम यहाँ से फिल्टर आउट कर लेंगे और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं वो सुप्रेस हो जाएंगी, क्योंकि ये लो पास फिल्टर है। और इस इसका मतलब है कि जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर या इंटरपोलेशन फिल्टर हो, दैट शुड बी ऑफ दिस शेप, और इस शेप को हम नाम दे, हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि यानी कि ये जो इसका ट्रांसफर फंक्शन है, इट शुड बी एच एफ एफ इज इक्वल टू टी एस, यानी कि गेन ऑफ दिस फिल्टर इनटू रेक्टेंगुलर फंक्शन ओमेगा ओवर 4 पाई बी, ये ओमेगा की टर्म में ऐसे लिख सकते हैं, या अगर हमने एफ की टर्म में लिखना है तो इट शुड बी इक्वल टू टी एस रेक्टेंगुलर फंक्शन एफ ओवर 2 बी, चूंकि ओमेगा 2 पाई एफ के बराबर होता है, तो 2 पाई 2 पाई से कट जाएगा, तो एफ ओवर 2 बी ये हमारे पास आ जाएगा। तो ये ट्रांसफर फंक्शन जो है ये इसके बराबर होना चाहिए, टी एस इसकी गेन है और बी इसकी जो बैंडविड्थ है। ये वही क्वेश्चन है जो लास्ट पेज पे हमने देखी है। अगर इस इंटरपोलेशन फिल्टर का या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा एच एफ टी, और रेक्टेंगुलर सिग्नल जो होता है उसका इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ये सिंक फंक्शन होता है, और सिंक का अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो रेक्टेंगुलर सिग्नल आता है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 BTS सिंक अप 2 पाई VT, और सिंक फंक्शन का प्लॉट जो है वो इस तरीके से दिखता है। अगर 2 BTS जब 1 के बराबर हो, यानी कि टी एस अगर 1/2 B के बराबर हो, ये जब टी एस 1/2 B के बराबर होगी, तो ये हमारे पास जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा, तो ये जो टर्म है ये 1 हो जाएगी। इसका मतलब है जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये 1 हो जाएगी, ये मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर ये सिंक फंक्शन जो है ये यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है टाइम की 1/2 B है, यहाँ पे -1/2 B, ऐसे ही ये वैल्यू जो है आगे चलती जाएगी। तो जब ये 1 के बराबर हो, तो ये इक्वेशन जो है ये सिंक ऑफ 2 पाई VT सिर्फ रह जाएगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक इम्पल्स आए, तो एक इम्पल्स को लेके अगर जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है या इंटरपोलेशन फिल्टर है वो अगर एक सिंक फंक्शन जनरेट करता है, देखें जब भी कोई इम्पल्स आ रही है तो हर इम्पल्स के साथ एक सिंक फंक्शन जो है ये हमने ये जोड़ दिया, हर इम्पल्स को लेके एक सिंक फंक्शन जो है ये जनरेट हो रहा है। और अगर आप ये देखें कि ये जितने भी सिंक फंक्शंस हैं, इन सबको अगर हम ऐड अप करें, इन सबको अगर हम ऐड अप करते हैं, तो हमें ये ओरिजिनल सिग्नल हमारा जो है वो मिल जाता है।
अगर आप गौर करें कि यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल इस सिग्नल की वैल्यू देखना चाहते हैं, अब अगर इस सिंक फंक्शन को और इस सिंक फंक्शन को और ये जितने भी ये सिंक फंक्शन आ रहे हैं इन सब को अगर हम ऐड करें तो एग्जैक्टली ये वाली वैल्यू जो है वो आएगी हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अगर हर इम्पल्स को लेके एक सिंक फंक्शन जनरेट हो तो हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको हम रिकवर कर सकते हैं इजीली फ्रॉम दी सैंपल्स। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि इंटरेस्टिंग फैक्ट देखें कि ये जो HFT है ये जो सिंक फंक्शन है, सिंक फंक्शन की वैल्यू जीरो है एट ऑल नाइक्विस्ट सैम्पलिंग इंस्टेंट्स। ये जितने भी हैं ये सैम्पलिंग इंस्टेंट्स हैं, ये सैम्पलिंग इंस्टेंट है, ये सैम्पलिंग इंस्टेंट है, ये भी एक सैम्पलिंग है, ये सारे के सारे सैम्पलिंग इंस्टेंट्स हैं। तो कहता है कि जितने भी सैम्पलिंग इंस्टेंट्स हैं उन पे HFT की वैल्यू जीरो है एक्सेप्ट FT इज इक्वल टू जीरो। अगर आप यहाँ पे इस इम्पल्स को लेके जो सिंक फंक्शन जनरेट होता है वो ये सिंक फंक्शन है जो ये इस तरीके से आ रहा है, अगर आप इस सिंक फंक्शन को सिर्फ देखते रहें, अगर मैं इसकी लेटर से कलर चेंज करता हूँ, इंक कलर मैं लेटर से इसको ब्लू करता हूँ, अगर तो मैं यहाँ पे ये ड्रा करना चाह रहा हूँ कि ये जो एक इम्पल्स है जो टी इज इक्वल टू जीरो पे इम्पल्स है, इस इम्पल्स को लेके जो सिंक फंक्शन है वो ये वाला है, ये जो ब्लू लाइन है वो ये इम्पल्स फंक्शन है, ये सिंक फंक्शन है सॉरी। तो अब अगर इस सिंक फंक्शन को हम देखें, इस सिंक फंक्शन की वैल्यू सिर्फ इस सैम्पलिंग इंस्टेंट के ऊपर मैक्सिमम है, जबकि इसके साथ अगला जो सैम्पलिंग इंस्टेंट है उस पे इस सैम्पलिंग इंस्टेंट पे इस सिंक फंक्शन की वैल्यू जीरो है, अगले सैम्पलिंग इंस्टेंट पे भी इस सिंक फंक्शन की वैल्यू जीरो है, उस अगले इंस्टेंट पे भी सिंक की वैल्यू जीरो है, यहाँ पे भी सिंक की वैल्यू जीरो है। तो सिंक जो है ये हर सैम्पलिंग इंस्टेंट पे इसकी वैल्यू जीरो है एक्सेप्ट एट टी इज इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको अरेज कर सकूं और अगर यहाँ पे ये जो दूसरी एक सैंपल है हमारा, ये जो दूसरी इम्पल्स है उसको अगर आप देखें तो इस इम्पल्स को लेके जो सिंक फंक्शन जनरेट हुआ है वो ये वाला है। अब इस सिंक फंक्शन को अगर आप देखें तो इस सिंक फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू इस इंस्टेंट के ऊपर है, जबकि बाकी राइट और लेफ्ट पे जितने सारे इंस्टेंट्स हैं उन पे इस सिंक फंक्शन की वैल्यू जो है वो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है, फिर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे जीरो है। तो राइट और लेफ्ट पे जितने भी ये सैम्पलिंग इंस्टेंट्स होते हैं उन पे इसकी वैल्यू जो है वो जीरो हो जाती है। इस वजह से हम ये देखते हैं कि जितने सिंक फंक्शंस हैं अगर इन सब सिंक फंक्शंस को ऐड किया जाए तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल जो है ये वाला, ये जो ब्लैक में ये जो लाइन है ये हमें ओरिजिनल सिग्नल जो है ये रिकवर हो जाता है अगर हम सब सिंक फंक्शंस को जो है वो ऐड करें। तो दिस इज द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल GFP। तो ये कैसे बेसिकली आ रहा है, अगर ये जो सैंपल्ड सिग्नल था इस सैंपल्ड सिग्नल को एक ऐसे इंटरपोलेशन फिल्टर में से गुजारा जाए, एक ऐसे रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर में से गुजारा जाए जिसका जिसका इम्पल्स रिस्पांस जो है वो ऐसे रेक्टेंगुलर फंक्शन हो या जिसका इम्पल्स रिस्पांस सिंक फंक्शन हो, ये रेक्टेंगुलर फंक्शन फोरियर अपना फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर और सिंक फंक्शन जो है वो टाइम डोमेन के अंदर, कि अगर रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर का ये जो हम कह रहे थे कि ये जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है या इंटरपोलेशन फिल्टर है इसका ट्रांसफर फंक्शन अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन रेक्टेंगुलर होगा तो उस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास जो ओरिजिनल सिग्नल है GFT वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म सिंक होता है और इन सिंक्स को जब हम सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल मैसेज सिग्नल जो है वो रिकवर हो जाता है। तो और फिर कहता है कि इससे हमें पता चलता है कि ईच सैंपल जो है इट जनरेट्स अ सिंक पल्स ऑफ हाइट इक्वल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सैंपल। जैसे आप देख रहे हैं कि हर सिंक फंक्शन उतनी ही वो सिंक फंक्शन उस हाइट का जनरेट करेगा जितनी इंपल्स की अपनी हाइट है। अब इसी को हम अगर देखें तो इससे हम अगर मैं इसका कलर जो है वो दोबारा रेड कर सकूं, आई थिंक वो ज्यादा विजिबल है। तो अगर इन सब सिंक फंक्शंस को ऐड किया जाए तो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल GFT आ जाता है जो जिसको हम रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल कहेंगे। तो GFT इज बेसिकली समेशन ऑफ सैंपल्ड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय द इंपल्स रिस्पांस।
और इंपल्स रिस्पांस क्योंकि सिंक फंक्शन है तो सैंपल्ड सिग्नल मल्टीप्लाइड बाय दी सिंक फंक्शन एंड समेशन ऑफ ऑल दीज सिंक फंक्शंस विल गिव अस द रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल। तो इसको ये जो हमारे पास इक्वेशन है इस इक्वेशन को इंटरपोलेशन फार्मूला का नाम भी दिया जाता है। और यहाँ पे ये जो चीज अभी हमने ये स्टडी की कि किसी भी मैसेज सिग्नल को एग्जैक्टली हम रिकवर कर सकते हैं अगर हमारे पास जो इंटरपोलेशन फिल्टर है वो एक सिंक फंक्शन जनरेट करे टाइम डोमेन के अंदर या फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो एक रेक्टेंगुलर इंपल्स रिस्पांस हो जिसका फ्रिक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर और टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन अगर जनरेट करता है, टाइम डोमेन में सिंक फंक्शन अगर जनरेट करता है इंटरपोलेशन फिल्टर तो या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर, तो हम देखते हैं कि हम मैसेज सिग्नल को एग्जैक्टली जो है वो रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रा आइडियल केस है। अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल केस देखना चाहें तो प्रैक्टिकली ये होता है कि लेट अस से हम एक इंटरपोलेशन फिल्टर ऐसा देखते हैं कि जिसका इंपल्स रिस्पॉन्स सिंक फंक्शन नहीं है बल्कि रेक्टेंगुलर फंक्शन है, ये जो कि टाइम डोमेन के अंदर है, तो टाइम डोमेन में जिसका इंपल्स रिस्पांस जो है वो सिंक फंक्शन की बजाय रेक्टेंगुलर फंक्शन है क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल फिल्टर जो है वो देख रहे हैं। अब कहता है कि इसका मतलब ये है कि ये एक गेट पल्स है, रेक्ट का मतलब है गेट पल्स होता है जिसकी हाइट जो है वो 1 है और जिसकी विड्थ जो है वो TS है, इसके पीछे 1 लिखा है तो इसकी हाइट 1 है और इसकी विड्थ जो है वो TS है। तो ये इसका मतलब है कि ये बेसिकली ये रेक्ट टी और TS को हम इस तरीके से जो है वो लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर जो सैंपल आएगा दैट विल जनरेट अ गेट पल्स लाइक दिस। जैसे इससे पहले हमने आइडियल केस में देखा ना कि हर सैंपल जो आएगा वो सिंक फंक्शन जनरेट करेगा, तो यहाँ पे हम जो केस अभी देख रहे हैं उस केस में हम ये कहते हैं कि हर जो सैंपल आएगा दैट विल जनरेट ए गेट पल्स। और यहाँ पे इसका मतलब है कि हर सैंपल के साथ अगर गेट पल्स जनरेट होगी तो ये जितने भी सैंपल्स आ रहे हैं उनके साथ ये हमारे पास गेट पल्सेस जो है वो आती जा रही हैं। इसके साथ ये गेट पल्स है, इस सैंपल के साथ ये गेट पल्स है, हर सैंपल के साथ जो है ये गेट पल्स जो है वो आ जाएगी। और हमारे पास जो एंड पे जो सिग्नल आएगा ये सब गेट पल्सिस को ऐड करके जो सिग्नल आएगा दैट विल बी समेशन ऑफ GFKTS, ये जो सैंपल्ड सिग्नल है और इसके सैंपल्स जो है वो हर इंस्टेंट के ऊपर मौजूद हैं और इनटू मल्टीप्लाइड बाय दी रेक्टेंगुलर एट ईच इंस्टेंट। तो इसका मतलब यह है कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ दिस फिल्टर इज दी फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दी इंपल्स रिस्पांस रेक्टेंगुलर TS। और हमें पता है कि ऐसा जो भी फिल्टर है जो कि टाइम डोमेन के अंदर अगर रेक्टेंगुलर है तो फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर वो ज़ाहिर है सिंक फंक्शन होगा। हमें पता है जैसे हमने पहले देखा, पहले इसके अपोजिट था, आइडियल केस में इसके अपोजिट था। आइडियल केस में ये था कि जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी डोमेन में था वो रेक्टेंगुलर था जबकि टाइम डोमेन में जो है वो सिंक फंक्शन था, जबकि अभी हम जो एक प्रैक्टिकल केस देख रहे हैं प्रैक्टिकल केस में टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर है जबकि फ्रिक्वेंसी डोमेन में जो है वो सिंक फंक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम ये देखते हैं कि ये हमें फिगर ये बेसिकली बता रही है कि ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली सिंक फंक्शन की मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास जब हमने ये केस लिया है जब हमने कहा कि हर इंपल्स जो है वो एक रेक्टेंगुलर सिग्नल जनरेट करे, उस केस में जो फिल्टर हमारे पास आता है इंटरपोलेशन फिल्टर या रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर वो एक सिंक फंक्शन है, वो हमें इस तरीके से जो है वो दिखता है, वो फिल्टर इस तरह से है। लेकिन हमने ये देखा कि जो आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर है वो इस तरह से होना चाहिए, आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर शुड बी लाइक दिस, जबकि प्रैक्टिकल इंटरपोलेशन फिल्टर जो है ये ऐसे सिंक फंक्शन जो है वो ऐसे हमारे पास आ रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि ये जो प्रैक्टिकल इंटरपोलेशन फिल्टर है ये यहाँ पे कुछ वैल्यूज को भी मिस कर देगा, यहाँ पे कुछ वैल्यूज को भी मिस कर देगा, और इसके बाद ये कि ये काफी एक्सपेंड होया हुआ है जबकि जो हमारा सिग्नल है
वो सिर्फ यहाँ तक रेस्ट्रिक्टेड है, तो इस वजह से ये हमें इतना एफिशिएंट जो है वो फिल्टर नजर नहीं आ रहा, ये जो फिल्टर है सिंक फंक्शन का, जो प्रैक्टिकली जो जिस फिल्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो बेसिकली कहता है कि दी शेडेड आइडियल इंटरपोलेशन फिल्टर शोज द रीजन ऑफ इनएफिशिएंसी, दिस फिल्टर आल्सो नोन एज जीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर इज अ पुअर अप्रॉक्सिमेशन ऑफ द आइडियल लो पास फिल्टर रिक्वायर्ड फॉर द एग्जैक्ट इंटरपोलेशन। तो चूंकि हम इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, ये आइडियल है जो कि रेक्टेंगुलर है और ये वाला जो है वो प्रैक्टिकल है, इस प्रैक्टिकल फिल्टर को जीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर भी कहा जाता है। तो और हम ये कह सकते हैं कि दिस जीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर इज अ पुअर अप्रॉक्सीमेशन ऑफ दिस रेक्टेंगुलर फिल्टर। ये बेसिकली इस तरीके से हमें सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करके दिखाता है कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सिग्नल है, ये हमारे पास ये जो लाइन है, ये अगर मैं इसकी कलर चेंज कर सकूं, तो ये जो ग्रे लाइन है, ये ग्रे लाइन बेसिकली हम जो सिग्नल रिकवर करना चाहते हैं वो है, और हर सैम्पलिंग इंस्टेंट पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर सिग्नल जो है वो जनरेट होता है, ये रेक्टेंगुलर सिग्नल जो है वो जनरेट हो रहा है। तो हमें इसका मतलब है कि जो सिग्नल रिकवर होगा या जो सिग्नल हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, दैट विल बी दिस रेक्टेंगुलर सिग्नल। तो ये हमें जो जो हमने ट्रांसमिट किया था वो तो ये ग्रे वाला था जो कि बिल्कुल ऐसे स्मूथ जा रहा था, लेकिन जो हम रिकवर करेंगे वो हमारे पास ऐसे स्टेप्स उसके बने होंगे, क्योंकि हमने जो हम जो प्रैक्टिकली जो फिल्टर यूज करते हैं, दैट इज अ जीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर, या हम ये कहते हैं कि वो हर इम्पल्स के साथ या हर सैंपल के साथ वो एक गेट पल्स जो है वो जनरेट करता है। प्रैक्टिकली जो है वो गेट पल्स जनरेट होती है, जिसकी वजह से एग्जैक्टली सिग्नल जो है वो रिकवर नहीं होता। हाँ, इसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जबकि आइडियल केस की बात करें, तो आइडियल केस में हमने ये देखा कि जब कोई भी इम्पल्स है, उस इम्पल्स को लेके अगर एक सिंक फंक्शन जो है वो जनरेट हो रिसीवर के ऊपर, तो जो रिकंस्ट्रक्शन फिल्टर है वो अगर एक सिंक फंक्शन जनरेट करे, फिर एग्जैक्टली उस सिग्नल को जो है वो रिसीव किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि ये एक आइडियल केस है और इसको जो है वो रियलाइज करना जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो जो पॉसिबल है वो ये है कि हम हर इम्पल्स को लेके एक रेक्टेंगुलर सिग्नल जनरेट करते हैं, जिससे हमारे पास ये एक स्टेयर केस सिग्नल जो है वो रिसीव होता है रिसीवर के ऊपर। और इसको बेहतर हम किया जा सकता है, वी कैन इम्प्रूव दिस जीरो ऑर्डर होल्ड फिल्टर बाई यूजिंग ए फर्स्ट ऑर्डर होल्ड फिल्टर, जिसमें ये होता है कि लीनियर इंटरपोलेशन होती है। लीनियर इंटरपोलेशन से मुराद ये है कि ये जो सैंपल टॉप्स हैं वो आपस में डायरेक्टली कनेक्ट होती हैं इंस्टेड ऑफ द स्टेयर केस इंटरपोलेशन। ये आपको स्टेयर केस इंटरपोलेशन नजर आ रही है, तो फर्स्ट ऑर्डर होल में ये जो सैंपल टॉप्स हैं इनको डायरेक्टली हम ऐसे जो है वो जोड़ते हैं, तो इनको इस तरीके से डायरेक्टली जब जोड़ा जाता है तो वो बेहतर एक अप्रॉक्सीमेशन जो है वो बनती है। अभी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज क्या होती हैं जब हम किसी सिग्नल को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। तो अगर तो ये हो कि अगर हम जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी यूज करें किसी सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए, अगर वो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी एग्जैक्टली 2 डी के बराबर हो, तो हम ये देखेंगे कि जो स्पेक्ट्रम है वो जी एफ ओमेगा का, वो बेसिकली ये रेपिटेशन है, जो सैम्पल्ड सिग्नल है ये सैम्पल्ड सिग्नल है, ये सैम्पल्ड सिग्नल में जी एफ ओमेगा जो है वो सिंपली रिपीट हो रहा है विदाउट एनी गैप बिटवीन दी साइकिल्स, इनमें कोई गैप नहीं होगा। और अगर हम इस सैंपल्ड सिग्नल में से जी डैश एफ ओमेगा में से जी एफ टी को रिकवर करना चाहते हैं या सिंपल जी एफ ओमेगा को रिकवर करना चाहते हैं, तो इस सैंपल्ड सिग्नल को हमें एक लो पास फिल्टर में से गुजारना होगा, एन आइडियल लो पास फिल्टर में से गुजारना होगा, और वो आइडियल लो पास फिल्टर इस डैश लाइन से ये शो हो रहा है, इसमें से जब गुजारेंगे तो इसमें से ये पोर्शन जो हमें रिक्वायर्ड है वो हमें रिसीव हो जाएगा, बाकी इसमें राइट और लेफ्ट पे जितने भी ये स्पेक्ट्रम्स हैं, जितने भी ये साइकिल्स हैं, ये सुप्रेस हो जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि ये एक आइडियल लो पास फिल्टर है जो कि इस तरीके से एग्जैक्टली इतना शार्प है कि यहाँ से ये बिल्कुल नीचे यूं लाइन आ रही है, ये बिल्कुल लाइन यूं नीचे आ रही है, ये सिर्फ इस पोर्शन को जो है ये रिकवर करे और बाकी सबको डिस्कार्ड कर दे। तो चूंकि ऐसा जो फिल्टर है ये नॉट रियलाइजेबल अनरियलाइजेबल होता है, और प्रैक्टिकल जो सोल्यूशन है वो ये है कि हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को थोड़ा सा नाइक्विस्ट रेट से बढ़ा दें। इनके नाइक्विस्ट रेट तो ये था कि 2 बी हो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, लेकिन प्रैक्टिकल इसका सोल्यूशन ये है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप जो है बीच में ऐड कर दें। अब इस गैप ऐड करने का तरीका ये है कि हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें,
क्योंकि जब हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे तो देखें यहाँ पे ये ओमेगा एस जो है वो यहाँ पे है या एफ एस जो है वो यहाँ पे है, और अगर हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा साइकिल है ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हो जाएगा फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर। जब हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 2B से बढ़ा दी तो आप देख रहे हैं कि बीच में जो है गैप ये इंट्रोड्यूस हमने कर दिया है इन दोनों साइकिल्स के बीच में, राइट पे भी और लेफ्ट पे भी। और अब जो लो पास फिल्टर हम यूज कर सकते हैं वो उतना स्टीप नहीं है जो यहाँ पे ये नजर आ रहा था, तो अब हम एक प्रैक्टिकल लो पास फिल्टर यूज कर सकते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इसकी मदद से हम सिग्नल जी एफ टी या जी एफ ओमेगा को हम यहाँ से रिसीव कर सकते हैं, जो बीच वाला साइकिल है इसको इजीली रिसीव कर सकते हैं अगर हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दें अबव दी नाइक्विस्ट रेट। कहता है कि इस केस में भी जो फिल्टर गेन है दैट रिक्वायर्स टू बी जीरो बियॉन्ड द फर्स्ट साइकिल ऑफ जी एफ ओमेगा विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, यानी कि हमें आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बिल्कुल यहाँ पे जीरो के ऊपर इसकी गेन आ जाती है इस फिल्टर की, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली जो फिल्टर्स हैं वो उनकी गेन इस तरीके से वो चलती जाती है, उसकी वो माइन्यूट सी वैल्यू जो है वो राइट और लेफ्ट के अंदर मौजूद होती है, जिसका मतलब है कि राइट और लेफ्ट पे जो साइकिल्स हैं इनका भी थोड़ा बहुत पोर्शन जो है वो बीच में इनकारपोरेट हो जाता है ओरिजिनल मैसेज सिग्नल के अंदर जो हम नहीं चाहते। However, as the sampling rate increases, the recovered signal approaches the desired signal more closely. जितनी sampling frequency हम बढ़ाते जाएंगे ये जरा next cycle मजीद उतना ही दूर होता जाएगा, जिसकी वजह से अगर ये जितना भी practical filter हो वो major portion जो receive करेगा वो desired signal का होगा और बहुत ही minute portion जो है वो undesired signal का होगा। अच्छा, उसके बाद एक और जो प्रैक्टिकल एक डिफिकल्टी है वो है एलियसिंग की, और एलियसिंग क्या है इसको हम भी डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि हमने जब ये सैंपलिंग थ्योरम को स्टडी किया तो हमने कहा कि हमने ये एज्यूम किया कि जो सिग्नल जी एफ टी है दैट इज बैंड लिमिटेड टू बी हर्ट्स, हमने कहा कि दैट दिस इज बी हर्ट्स, इसकी जो है वो ये बैंड लिमिटेड है और इसके बाहर बी से बाहर इसमें कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट मौजूद नहीं है। लेकिन जितने भी प्रैक्टिकल सिग्नल्स होते हैं अगर आप देखें तो वो टाइम लिमिटेड होते हैं, और ये एक नोन फैक्ट है कि कोई भी सिग्नल बोथ टाइम लिमिटेड और बैंड लिमिटेड साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता। अगर एक सिग्नल टाइम लिमिटेड है और चूंकि प्रैक्टिकल सिग्नल सारे टाइम लिमिटेड होते हैं तो इसका मतलब है कि वो बैंड अनलिमिटेड है, जिसका मतलब यह है कि हम ये नहीं कह सकते कि टाइम डोमेन में तो सिग्नल टाइम लिमिटेड है तो बैंड में हम ये नहीं कह सकते कि ये इसकी बैंडविड्थ जो है वो इस तरीके से इसका बैंड है और ये जो बैंड है ये बी के बाद जो है वो एग्जैक्टली बी के ऊपर एग्जैक्टली जीरो हो जाता है और इसके बाद इसका कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो मौजूद नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल जितने भी सिग्नल्स हैं वो जो कि टाइम लिमिटेड हैं तो वो फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर उनका जो बैंड है वो इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, वो राइट और लेफ्ट के ऊपर जो है वो एक्सटेंड होया हुआ होगा, तो बैंड अनलिमिटेड जो है वो सिग्नल्स होते हैं नॉर्मली। इसको बेसिकली यहाँ पे वो शो कर रहा है कि ये जो बैंड था ओरिजिनल मैसेज सिग्नल का ये बैंड जो है वो एग्जैक्टली यहाँ पे नीचे नहीं आ रहा था बल्कि वो इस तरीके से आगे एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है, और लेफ्ट साइड पे भी ये बैंड जो है वो इस तरीके से एक्सटेंड होता हुआ जा रहा है। अब जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर ये सैंपलिंग फ्रिक्वेंसी है ओमेगा एस और ये ओमेगा एस बाई टू है तो फिल्टर जो हम यूज करते हैं वो फिल्टर नॉर्मली हम ये कहते हैं कि वो फिल्टर ये ओमेगा एस बाई टू जो है वो इस तरीके से ये फिल्टर होता है, तो ओमेगा एस बाई टू यानी कि बी यहाँ पे आ रहा है तो और बी और माइनस बी के दरमियान जो पोर्शन है उसको वो रिकवर कर लेता है फिल्टर। लेकिन हम देखते हैं कि अगर हम ये फिल्टर भी यूज करते हैं तो मैसेज का कुछ पोर्शन जो है वो डिस्कार्ड हो जाता है, और ना सिर्फ ये कि मैसेज का कुछ पोर्शन डिस्कार्ड हो जाता है बल्कि ये जो साथ वाला साइकिल था उसका कुछ पोर्शन इधर आगे ऐड हो जाता है, तो ये चीज जो है कि रिकवर्ड सिग्नल इज डिस्टॉर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ टू सेपरेट केस काजेस, द लॉस ऑफ टेल ऑफ जी एफ ओमेगा बियॉन्ड एफ ग्रेटर देन एफ एस बाई टू, ये जो टेल है मैसेज की वो डिस्कार्ड हो जाएगी, उसके बाद ये कि रीअपीयरेंस ऑफ दिस टेल इन्वर्टेड और फोल्डेड ऑन टू द स्पेक्ट्रम, आप हम ये कह सकते हैं कि यही टेल इधर इन्वर्ट हो गया या फोल्ड हो गया आ गई है, या एक्चुअली बेसिकली ये जो साथ वाला हमारे पास साइकिल था उस साइकिल की ये जो टेल है वो हमारे पास ये डिजायर्ड स्पेक्ट्रम के अंदर जब वो आ रही है,
जिसकी वजह से जो रिकवर्ड सिग्नल है या जो रिकवर्ड स्पेक्ट्रम है वो हमें इस तरीके से दिखेगा, ये ऊपर से जो है वो लाइन जा रही है, क्योंकि ये दोनों जब ऐड होंगे तो हमारे पास ओरिजिनल जो सिग्नल होगा वो इस तरीके से जो है वो दिखेगा। तो बजाय इसके कि हम जो स्पेक्ट्रम हम जो सिग्नल रिकवर करें वो एग्जैक्टली इस तरीके से दिखे फ्रिक्वेंसी डोमेन के अंदर, वो हमें इस तरीके से दिखता है। वो हमें कुछ इस तरीके से दिखता है, देखिए ये देखिए ना, ये लाइन भी ऊपर से जा रही है, ये लाइन इधर ऊपर से जा रही है, तो वो इस तरीके से हमें जो है वो दिखता है। तो ये बेसिकली जो है वो इसके अंदर फैक्टर आता है। और द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज अबव FS/2 रीअपीयर एज कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्वेंसीज बिलो FS/2, यानी कि ये जो FS/2 से हायर जो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे रीअपीयर एज बिलो FS/2, यानी कि फोल्डिंग इनकी हो जाती है। और ये जो टेल इनवर्जन है ये दिस इज नोन एज स्पेक्ट्रल फोल्डिंग और एलियसिंग, इसको जो है वो एलियसिंग का नाम जो है वो दिया जाता है। अब इसको एलियसिंग को दूर करने का तरीका क्या है, उसमें एक इसका सॉल्यूशन ये है कि हम सैम्पलिंग करने से पहले ही ये जो मैसेज सिग्नल है GFT उसको उसके ऊपर कोई फिल्टर जो है वो अप्लाई कर दें, और वो फिल्टर ऐसा हो जो इस मैसेज सिग्नल के जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स FS/2 से हायर हैं उनको सुप्रेस कर दें। जैसे मैंने कहा ना कि प्रैक्टिकल सिग्नल इस तरीके से दिखता है, तो प्रैक्टिकल सिग्नल की जो है वो ये हायर फ्रिक्वेंसी के ऊपर भी उसके कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट जो मौजूद होते हैं, तो ये इस तरीके से दिखता है। तो हम सैम्पलिंग करने से पहले ही इसका जो बैंड है इसको लिमिट करने की कोशिश करें, और ये जो FS/2 है वो एक फिल्टर अप्लाई करें, और FS/2 से हायर जितने भी फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं उनको पहले ही सुप्रेस कर दें। तो ये एक जो है एक ऐसा फिल्टर होगा जिसको हम एंटी एलियसिंग फिल्टर का नाम देंगे, और बीइंग एन आइडियल फिल्टर क्योंकि ये रिलायजेबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये करते हैं कि जितना भी स्टीप कट ऑफ फिल्टर हम यूज कर सकें वो हम यूज करते हैं, विच लीव्स ए शार्पली अटेनुएटेड रेजिडुअल स्पेक्ट्रम बियॉन्ड द फोल्डिंग फ्रिक्वेंसी। तो ये बेसिकली जो है ये ऐसा फिल्टर है जिसकी मदद से हम एलियसिंग के फैक्टर को काफी हद तक जो है वो इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये कुछ प्रैक्टिकल हमारे पास डिफिकल्टीज थी सिग्नल रिकंस्ट्रक्शन की। एक हमने देखा कि हमारे पास जो सबसे पहली हमने चीज देखी वो थी कि जो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी है दैट शुड बी ग्रेटर देन 2B, और जितनी ये 2B से बड़ी होगी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी, ये जो सक्सेसिव साइकिल्स का गैप है उतना ही ज्यादा होगा और सिग्नल को रिकवर करना उतना ही आसान होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल फिल्टर्स हम यूज कर सकते हैं उस केस के अंदर। दूसरा हमने एलिसिंग का फैक्टर देखा कि जो स्पेक्ट्रम जो है वो फोल्ड बैक हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सिग्नल्स टाइम लिमिटेड होते हैं, बैंड अनलिमिटेड होते हैं, इसलिए वो जो पोर्शन है हायर फ्रिक्वेंसी का वो फोल्ड बैक हो जाता है, जिसको एलिसिंग का नाम दिया जाता है। और इसको खत्म करने का तरीकाकार ये है कि हम एक एंटी एलिसिंग फिल्टर यूज करें, और ये एंटी एलिसिंग फिल्टर ऐसा होगा जो FS/2 से हायर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट्स को सैम्पलिंग से पहले ही जो है वो सुप्रेस कर देगा, ताकि यहाँ पे कोई चीज ऐसी बचे ही ना ये जो कि इधर फोल्ड बैक हो। थैंक यू वेरी मच।